अगर कोई ये कहे कि लो स्केल बिजनेस यानी कम से कम पूंजी में शुरू हुआ कारोबार कम पैसा देगा तो ये सरासर झूठ है। अर्जुन अपनी सूझबूझ और कम इन्वेस्टमेंट को इतने तरीके से रेगुलेट किया कि आज मैं ये वीडियो बनाने पर मजबूर हूँ, क्योंकि आज की तारीख में वो बहुत ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया है। अपने छोटे से कारोबार को काफी बड़े स्केल पर ले जाकर आज वो एक प्रॉपर बिजनेसमैन बन चुका है। सिर्फ एक मशीन बहुत सारे बिजनेस को कैसे कर सकती है? मशीन की कीमत बताओ तो 800 से 900 रुपए मात्र, और इस मशीन से आप 20 से अधिक कारोबार कर पाएंगे। आज ये वीडियो पूरी तरह से इसी बिजनेस पे समर्पित है। नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत, फाउंडर IRJ7.com। बिजनेस शुरू करने से पहले आपको मैं इसकी पूंजी के बारे में समझा दूं, जो आपने थंबनेल में देखा कि 1,000 रुपए में इस कारोबार को शुरू किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक मशीन आपको दिखाई दे रही है, ये वेट मशीन है। इसकी कीमत 800 से 900 रुपए, जिसका स्क्रीनशॉट मैंने अभी आपको दिखा दिया है। उसके बाद आपको एक कुछ पैकेट्स लेने हैं, पैकेट्स की कीमत भी 70 से 80 रुपए तक ही आएंगी। अगर पूरे को जोड़ दिया जाए तो 900 रुपए से लेकर 1,000 रुपए तक की पूंजी है इसमें। इस कारोबार को आप स्टार्ट तो कर ही लेंगे, क्योंकि ये परमानेंट पूंजी है। थोड़ी सी इसमें रनिंग इन्वेस्टमेंट भी होती है, वो रनिंग इन्वेस्टमेंट क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। दोस्तों, इस ऑनलाइन जमाने में भी ऑफलाइन बहुत सारे कारोबार चल रहे हैं, उसी की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ। लेकिन आज एक ऑनलाइन कारोबार भी आपको बताता हूँ कि अगर आप अपना एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं प्ले स्टोर के ऊपर, तो आज नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का जो पहला लिंक है उसको क्लिक करके अपने एप्लीकेशन का ऑर्डर दें। उसके अंदर आपके नाम पे एप्लीकेशन बनाया जाएगा, उसको तुरंत हाथों हाथ मोनेटाइज किया जाएगा, वो भी गूगल एडसेंस के माध्यम से। जी हाँ दोस्तों, पॉसिबल है तुरंत मोनेटाइज हो जाना। और ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर भी लाइव किया जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे गेम्स होंगे, 20, 30, 50 गेम्स होंगे। ये एप्लीकेशन कैसे आपको रोज 1,500, 2,000, 3,000 रुपए तक की कमाई करा सकता है, ये पूरी जानकारी आप नीचे व्हाट्सएप में जाकर अभी ले सकते हैं। दोस्तों चलिए वापस अपने बिजनेस पर आता हूँ। दोस्तों भी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स के स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको ड्राई फ्रूट्स का होलसेल प्राइस दिखाई दे रहा होगा, IndiaMart.com के ऊपर मैं सर्च कर रहा हूँ। दूसरा आपको मसालों का होलसेल प्राइस दिखाई दे रहा होगा, जो कि बीच में है। और तीसरा है दाल के कुछ होलसेल प्राइसेस दिखाई दे रहे होंगे। ये जो तीनों प्राइसेस है, इसको आप बारी बारी से रोक के या तो देख भी सकते हैं, या फिर आप इंडिया मार्ट पे जाके सर्च कर सकते हैं। काफी सस्ती दरों में ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, चाहे वो दाल, मसाला, ड्राई फ्रूट्स हो, या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि खुदरा लेना लोग पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात, कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी लोग खरीदना चाहते हैं। ये जो इंडिया मार्ट पे जाकर प्राइसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये अर्जुन की ही स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाकर सारी चीजों के प्राइस को टटोलना शुरू किया था। उसके पास पूंजी तो थी नहीं, स्टार्टिंग में 1,000 रुपए वो अपने पॉकेट में लेकर चल रहा था, सिर्फ इसलिए कि मैं इस छोटे से पूंजी से बड़े कारोबार को करके दिखाऊंगा। तो उसने एक ही बार में तीनों सेगमेंट को नहीं टच किया, ड्राई फ्रूट्स, दाल, मसाला, सब में एक साथ वो नहीं आया। पहले वो ड्राई फ्रूट्स को उठाया, वहां बात करी एक होलसेलर से, इंडिया मार्ट के ऊपर ही उसको नंबर मिल चुका था। बात करने पर ये ड्राई फ्रूट्स में काजू, बादाम, पिस्ता वगैरह जो भी चीज है, किशमिश है, सब कुछ वो थोड़ा थोड़ा करके 4-5 हजार रुपए की पूंजी के साथ, जो कि रनिंग पूंजी मैंने आपको बताया था, उसके साथ उसने मंगा लिया। और पैकेट्स जो कि 70 से 80 रुपए के प्राइस रेंज पर उसको मिल रहे थे, वो वहां से वो ऑर्डर कर लिया। उसने सारे ड्राई फ्रूट्स के थोड़े थोड़े साइज के पैकेट बनाए, 100 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो और 1 किलो, 4 प्रकार के पैकेट वो बना चुका था। अब वो देखा कि इसका मार्केट रेंज क्या है, तो देख रहा है कि हर एक घर में इसका इस्तेमाल होता है, हर एक होटल्स में इसका इस्तेमाल होता है, छोटे छोटे स्टॉल्स पे भी इसका इस्तेमाल होता है। तो उसके पास तो पूरा मार्केट ही पड़ा था जिसमें वो सेल कर सकता था। वो छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर बारी बारी से घरों के दरवाजों को खटखटाना शुरू किया, क्योंकि वो अब एकदम से शुरू कर रहा था, तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी किसी भी कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। यहां पर वो पैसे कमाने की सोच पहले उसको साइड करके, उसको अनुभव पहले मिले, ये मार्केट को वो समझ पाए, इसके लिए मार्केट में वो दौड़ रहा था। अब देखा कि हर पैकेट पे जो मार्केट प्राइस चल रहा है, उससे 10-20 रुपए सस्ती कीमत पर वो मार्केट में जा चुका था। अब उसने देखा कि अब लोगों को अगर मैं क्वालिटी दे रहा हूँ और कम प्राइस भी दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली मेरा कारोबार आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और हुआ भी ऐसा ही, लोग देख रहे हैं, क्वालिटी पहले उसका चेक कर रहे हैं कि जो भी प्रोडक्ट वो दे रहा है, काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, जो भी चीजें वो दे रहा है, सबकी कीमत भी सस्ती है मार्केट से, क्योंकि वो कंपेरिजन के लिए तुरंत मोबाइल खोल के उनको दिखाता था कि देखिए ऑनलाइन प्राइस पे ये है और यही आपको मार्केट में भी अवेलेबल होने वाला है, लेकिन मैं आपको उससे कम प्राइस पे भी हाथों हाथ देने वाला हूँ। ट्राई कीजिए, 250 ग्राम लेकर आप पहले स्वाद लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, अगर आपको और जरूरत पड़ेगी तो मैं फिर आपको आकर सप्लाई दे दूंगा। ऐसा कहकर वो घरों घरों को घूमना शुरू किया। बस अपने कारोबार में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि क्वालिटी वो कंट्रोल रहना चाहिए, क्योंकि जब आप क्वालिटी ठीक दे रहे हैं, मार्केट के कंपेरिजन में और बेहतर क्वालिटी दे रहे हैं, जो भी खराब दाने हैं उसको चून करके साइड कर दे रहे हैं और अच्छे दानों को सस्ती कीमतों पर बेच रहे पैक करके, तो आपका क्रेज मार्केट में बढ़ता जाएगा। अब ये कारोबार ऐसा है
कि इसकी खपत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है, स्वास्थ्य के प्रति हर कोई सचेत है। आप शुरुआत में ड्राई फ्रूट से अपने कारोबार को शुरू कर सकते हैं, जैसा कि अर्जुन ने किया, लेकिन बहुत जल्द आप दाल के क्षेत्र में भी आ सकते हैं, जिसमें आप 250 ग्राम, आधा किलो, 1 किलो के दाल पैक करके मार्केट प्राइस से 10 रुपए सस्ती कीमत पे आप देना शुरू करेंगे। फिर उसके बाद मसालों की भी दुनिया में आ सकते हैं। आए दिन लोग मसालों के कारोबार को करके अच्छा पैसा बना रहे हैं, और जो लोग भी इसमें आ रहे हैं, ये सोचकर कि ऑलरेडी मार्केट में पहले से बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी है, फिर भी वो ज्यादा कमा रहे हैं, क्योंकि इसका मार्केट वॉल्यूम इतना अधिक है कि छोटे छोटे बहुत सारे कारोबारी आकर के अच्छा मुनाफा बना ले रहे हैं। तो अब बारी आपकी भी, आने वाले वक्त में आप मिल बिठा लेंगे अपने दरवाजे पर, और अपने पिसाई करके, कुटाई करके, पैक करके और खुद सेल ना करके लड़कों के माध्यम से न सिर्फ सेल करेंगे, बल्कि बहुत सारे आउटलेट्स भी खोलेंगे, और जल्द ही FSSAI का लाइसेंस लेकर अपना ब्रांड रजिस्टर करेंगे, फिर अपने ब्रांड नेम के साथ मार्केट में आ जाएंगे। आज बहुत सारे मसाले हैं, राकेश मसाले, एवरेस्ट, MDH, गोल्डी, बहुत प्रकार के मसाले हैं, लेकिन ये सब शीर्ष में बैठे हुए मसाले की कंपनियां हैं। आप अपने ग्राउंड लेवल पर, अपने लोकल में अपना स्वाद लोगों को देंगे तो आपका नाम बढ़ना शुरू हो जाएगा। बेहतरीन है एक छोटी सी मशीन, कुछ पैकेट्स होलसेल कीमत पर कुछ मसाले, और बहुत बड़ा जुनून, जज्बा, मेहनत लेकर आप जब उतरेंगे, पैसा बहुत बनाएंगे। शुभकामनाएं हैं आपके लिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।